हे गाइस, मैं हिमांशु चुग और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। वेदर भी बहुत अच्छा है और मैं इस टाइम ग्रीन टी पी रहा था, तो सोचा आप लोगों से इसी के बारे में कुछ बातें हो जाएं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन टी किस किस टाइम पीनी चाहिए, दिन में कितनी बार पीनी चाहिए और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो इस वीडियो में मैं आज आपसे ये सभी बातें करने वाला हूँ। गाइस, पिछले कुछ दिनों से ग्रीन टी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादातर लोग इसको वेट लॉस के पर्पज़ में पीते हैं, बट यह वेट लूज के साथ साथ आपकी स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप इसको डेली पीते हो तो यह आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कब्ज से भी बचाए रखता है। बट आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम और कितनी बार पीना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पानी को उबाल लेना है, उसके बाद आपको ग्रीन टी डालनी है, देन उसको 2 मिनट तक ढक देना है। आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी, आप पी सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर, तुलसी और शहद भी डाल सकते हैं, इससे आपको डबल फायदा होगा। नींबू अगर आप डालेंगे तो इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। और आजकल तो मार्केट से भी आपको नींबू फ्लेवर वाली इलायची पाउडर और तुलसी वाली चाय मिल जाएगी, उसे भी आप पी सकते हैं, बट अगर आप नेचुरल पिए तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए इसके फायदे की बात ही कर लेते हैं। इसके फायदे, जैसे कि आप जानते हो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, सही जानते हो, बट आपको ये नहीं पता यह कब और कैसे पीनी चाहिए। ये आपको खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद पीनी चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। डिनर में आप कम पिए क्योंकि इसके अंदर कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि आपकी चर्बी को तो घटा देते हैं, बट हो सकता है आपको रात को नींद अच्छे से ना आए। साथ ही इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हो या फिर स्किन लॉस हो रही हो या उसके लिए बहुत फ़ायदा करती है। हेयर्स पर यह हेयर कंडीशनर का काम करती है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। जी हाँ, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की शुगर पर यह बहुत अच्छा काम करती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये आपके VLDL और LDL फैट यानी कि बैड फैट को कम करके आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है, आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है। और हाँ गाइस, ये तो थी इसके फ़ायदे की बात। और अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं और अगर आप इसको गलत तरीके से पिएंगे या गलत टाइम पे या ओवर में पिएंगे तो इसके आपको बहुत ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसको ज़्यादा बार पीने से आपको पेट में खराबी, नींद ना आना, वोमिटिंग या लूज मोशन भी हो सकते हैं, इसकी तरफ से आपको मिल सकते हैं। तो कोशिश करें आप इसको 2 से 3 बार ही पिए। छोटे बच्चे यानी कि 10-12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये न दें। प्रेगनेंसी में भी इसको पीना ठीक नहीं होता, उसको आप अवॉइड करें। और साथ ही अगर आप किसी दवाई के साथ इसको पी रहे हैं वो भी गलत है, आप किसी दवाई के साथ इसका सेवन मत करें। तो गाइस, इस वीडियो में आपने ग्रीन टी को बनाने का तरीका सीखा, इसको कितनी बार और किस किस टाइम पीना है और साथ ही इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जाना। इस वीडियो में दी गई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी लाइक करें, शेयर भी जरूर करें ताकि ये नॉलेज वाली वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे, और कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो अगर आप और चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।